Hi, so firstly, good to see you. You know, yesterday I was just singing. देख रहा था गाना और मैंने देखा कि काफी अच्छी आवाज है आपकी. पहले तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा. और आई वाज जस्ट सिंगिंग कौन किने ने गाना गाया. एंड आई सॉ योर नेम. ग्रेट वॉइस फॉर थी. मैं जानना चाहूँगा किस तरह के रिस्पॉन्स आपको आए गाने के बाद. लोगों की तरफ से क्या कुछ रिस्पॉन्स आपको आए. रिस्पॉन्स हैज़ बिन इनक्रेडिबल. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी लोगों का, क्योंकि उन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है. इनफैक्ट मेरा फर्स्ट सॉन्ग जो था दो घूंट फ्रॉम सारेगामा, उसे इट्स आई थिंक 85 मिलियन एंड इट्स स्टिल काउंटिंग. सो आई थिंक पीपल आर लविंग माई वॉइस. दैट्स वॉट आई रीड. मैं सारे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ पर्सनली जितना हो सके उतना. एंड वेन एवर दैट आई डू दैट आई ऑलवेज सी अप्रिसिएशंस एंड प्रेजेस फॉर माई वॉइस एंड फॉर माई सॉन्ग. सो आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर दैट. किस तरह की तैयारी आप करते हो जब जब भी कोई गाना आता है. जी लिरिक्स आप देखते हो. किस तरह की प्रिपरेशन आप करते हो. प्रेपरेशंस आई थिंक मेरी बचपन से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि ये जो ओल्ड सॉन्ग्स मैं जो आज रिक्रिएट कर रही हूँ वो मैंने बचपन में सुने थे एंड उसको मैं गाती आ रही हूँ. इनफैक्ट आई यूज़ टू डू स्टेज शोज वेयर इन देयर वो कंडक्टर होते हैं एंड पूरी बैंड होती है पीछे एंड देन देयर इज़ अ कंडक्टर. हम चप्पल निकाल कर स्टेज पर जाते हैं एंड पुराने गाने गाते जो इनफैक्ट मेरे मॉम डैड ने भी नहीं सुने थे वैसे उतने पुराने 1940s 50s आई डोंट नो ब्लैक एंड वाइट एरा के. एंड आज वही मुझे गाने का मौका मिल रहा है तो इट्स लाइक अ फुल सर्कल फॉर मी, बिकॉज इट्स सो ब्यूटिफुल कि मैं बचपन में गाती आ रही हूँ और आज वही गाने मेरी आवाज़ में लोग सुन रहे हैं. तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग दैट आई कुड सी. सजना है मुझे और दो गुड दोनों रीमेक गाने जी. जिसके ओरिजिनल गाने ऑलरेडी यूट्यूब पे है. कितनी बार आप देखते हो जब भी रीमेक गाना आते हैं. कितनी बार ओल्ड सॉन्ग सुनते हो पहले तो. ओल्ड सॉन्ग्स मैंने जैसे कि मैंने कहा मैंने पहले बहुत सुनी हूँ और बहुत मैंने परफॉर्म भी किया है स्टेज पर. तो उसे सुनना एज एन ऑब्वियसली मैं ओल्ड सॉन्ग्स बहुत प्रेफर करती हूँ. मैं हमेशा उसे सुनती रहती हूँ. बट देन अब जब मैंने खुद के गाने गा दिए हैं, जब मैं देखती हूँ यूट्यूब पर एंड देन इट शोज़ अप ऑन द यूट्यूब व्हेन यू सर्च द सॉन्ग और माई नेम. सो इट्स आई थिंक वो एक अलग ही फीलिंग आ जाती है कि बहुत अच्छा लगता है, प्राउड लगता है एंड दैट्स अबाउट इट. टेल मी समथिंग अबाउट योर लाइक रूट लेवल डेज. जब आपने शुरुआत की किसको लाइक होम यू हैव आइडियलाइज किसी को. दैट्स सो मेनी थिंग. मुझे कोई लता जी की थोड़ी सी झलक आप पे दिखती है. क्या वही आपके आइडियल है या फिर. हाँ जी, लता जी आशा जी दोनों, क्योंकि उनके गाने जो हम सुनते हैं, आप लोगों ने अगर सुने होंगे उनके कुछ सेमी क्लासिकल सॉन्ग्स हैं जो एक कहते हैं ना एक सिंगर के लिए अगर वो 10 बार आप अगर गाओ उस दिन में तो वो एक तरह का आपके लिए रियाज हो जाता है. तो वो मैं बचपन से करते आ रही हूँ. मुझे मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग कुछ गुरुजियों से लिए हैं लेकिन आई वॉज नेवर रेगुलर बिकॉज मैं पढ़ाई वगैरह एंड आई हैव स्टडीड बायोटेक्नोलॉजी. तो मेरे लिए थोड़ा जगल करना थोड़ा मुश्किल हो गया था उस समय. सो देन आई थिंक यही गानों ने मुझे हेल्प किया. एंड सारेगामा की आई एम सो थैंकफुल टू सारेगामा. सारेगामा हैज़ अ लेंदी कैटलॉग और उसमें ये सारे गाने हैं. सो एंड अभी मैं सारेगामा से जुड़ी हूँ. सो आई थिंक इट्स रियली प्रेशियस फॉर मी. कितना अमेजिंग फील होता है. कुछ आप बताना चाहोगे सारेगामा के लिए. किस तरह से उनके वर्क एथिक्स है. हाउ डू यू लाइक द वर्क एथिक्स और क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा. आई रियली अडोर देयर वर्क एथिक्स. व्हाई इज बिकॉज उन लोगों की म्यूजिकल सेंस इतनी अच्छी है. हर एक चीज़ मतलब उनके पास एक विजन आ जाती है. आई डोंट नो रशना आई वुड लाइक टू मेंशन. रशना इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द म्यूजिकल यू नो कॉल्स. सो आई थिंक शी हैज़ द मोस्ट नॉलेज एंड द होल टीम ऑफ सारेगामा फॉर दैट मैटर. आई एम श्योर इट्स अ टीम वर्क एंड दे ऑल come together and they have this vision for every song that we come up with. कि इस गाने को करते हैं इनके इतने बड़े कैटलॉग में से एक गाना चुनना एंड ये सोचना कि हाँ दिस सॉन्ग इज गोइंग टू बी हिट एंड दैट इज लाइक दैट्स वॉट हैपन्स. यू ऑलवेज सी इट्स ऑलवेज अ हिट. सो आई थिंक दैट क्रेडिट गोज टू सारेगामा एंड सारेगामा हैज डन अ वंडरफुल जॉब डूइंग दैट. नाउ द थिंग्स इफ मैं सिंगर्स की बात करूँ जिस तरह का अब डिजिटल लेवल बढ़ चुका है. मैं देखता हूँ हर हफ्ते 2 या 3 गाने आ जाते हैं. हर महीने बहुत सारे 3-4 तो मिनिमम हफ्ते में एक गाने आ जाते हैं. महीने में गाने इतने आते हैं और साल में तो पूछो ही मत. तो ये जितना वर्क
मिलता है एज ए सिंगर. हम देखते थे पहले काफ़ी कम गाने आते थे, मूवीज में गाने आ जाते, बट जब से ये डिजिटल आया है, आपको क्या लगता है सिंगर्स लाइक यू, यू आर सो यंग राइट नाउ, सिंगर्स लाइक यू कितना वर्क बढ़ जाता है, कितना मौके बढ़ जाते हैं? आई थिंक पहले ज़माने में हम देखेंगे जब 90s में आई थिंक इंडिपेंडेंट म्यूज़िक बहुत चल रहा था एंड पैरेलली बॉलीवुड फिल्म म्यूज़िक भी साथ ही साथ काफ़ी ये था. बट आजकल की आजकल हम देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है. इट्स बिकॉज आई एम श्योर समवेयर देर इज़ दिस लॉकडाउन दैट हैड हैपेंड टू बी ब्लेम्ड बिकॉज थिएटर सारे बंद थे, मूवीज़ नहीं हो रही थी, लोगों को पता नहीं, तो उस वजह से सोशल मीडिया को इतना बूस्ट मिल गया. एंड आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग बिकॉज घर बैठे बैठे आप अगर अच्छा गाते हैं और आप अगर कुछ भी डालते हैं, आप कब वायरल हो जाएंगे आपको पता नहीं है. सो आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी. पहले ज़माने में ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी. सो आई थिंक फॉर दिस जनरेशन इट्स लाइक अ बून एंड आई एम सो हैप्पी दैट एवरीबडी इज़ डूइंग सो वेल राइट नाउ एंड आई एम रियली हैप्पी कि बडिंग सिंगर्स, बडिंग आर्टिस्ट्स, उनको इतना यू नो लाइमलाइट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है आजकल. सो इट्स गॉटन रियली वेरी इजी फॉर एवरीवन. सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट. और एज अ सिंगर कितना ब्लेस फील करते हो, क्योंकि मैं अब देखता हूँ जो भी दो गुट की मैं पहले बात करूँ, आपने कभी देखा है कितने रील्स उस पर बने, कभी नंबर, डू यू नो द नंबर्स? नो, इवन यू नो आई डोंट नो द नंबर्स, बट देयर आर सो मेनी रील्स. और सजना है मुझे, मैं एक दिन में देख रहा था इतनी रील्स बन चुकी है. नाउ द थिंग्स आर वेरी चेंज, हम देखते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म इतना बदल चुका है, रातों रात एक रील वायरल हो जाती है. अंजलि जी की मैं बात करूँ तो अंजलि जी का भी एक जो रील था, हाँ जी, आज लोग इतना पसंद करते हैं, लॉकअप में उनको पसंद किया था. तो रील्स कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है सिंगर्स के लिए? रील्स तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज आप कहते हैं ना वो वर्ड ऑफ माउथ वैसा हो जाता है, क्योंकि आप देखते हैं कि हाँ वाओ इन्होंने इस गाने पे रील बनाया, देन उसको देखकर दूसरे बनाते हैं, तो ऐसे क्या होता है कि हमको ज़्यादा प्यार मिलता है, हमें ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनते हैं, देखते हैं. तो आई थिंक इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट. एंड मैं कहूँगी कि जैसे कि आपने मेंशन किया दो घुट के आई थिंक समवेयर अराउंड मोर देन 400,000 रील्स है एंड इट्स रियली ओवरवेलमिंग फॉर मी कि लोगों ने इतना पसंद किया, क्योंकि दो घुट जो सॉन्ग है वो पहले भी आ चुका, मतलब पुराना सॉन्ग है, एंड देन मेरे वर्जन को इतना प्यार दिया है लोगों ने. मैंने तो इनफैक्ट ये भी सुना है दुर्गा पूजा के पंडालों में तक दो घुट बजा है. तो आई थिंक यू नो इट्स लाइक आप लिरिक्स देखते हैं, ऑब्वियसली दो घुट अल्कोहल पे गाना है, लेकिन लोगों को इतना पसंद आया कि वो भगवान के पंडालों पर भी बजा रहे हैं, गरबे में बज रहा है. मैंने खुद जब गरबा में एक एज अ चीफ गेस्ट में गई थी तो मैंने खुद मेरा गाना गाया था. आई मीन इट्स बीन लाइक्ड बाय छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक, दे आर ऑल लाइकिंग द सॉन्ग. इट्स वेरी रेंज ऑन योर सॉन्ग. आई डू आई ट्राई माय बेस्ट टू डू दैट. आई एम नॉट वेरी एक्टिव दो, but I always try and do all the reels. So what response you get? Basically, कोई ऐसा common response जो आपको मिलता है लोगों की तरफ से? I think equally मतलब मैंने जो अंजलि के साथ एक last सैया दिल में आना पे डांस किया था रील पे, तो everybody liked it and they were like wow you can even dance and all that because I am not very much into dancing but I do. एंड मुझे भी ये नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा कर लूँगी. एंड देन दे वर लाइक इट वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल. इनफैक्ट हमने अभी हाल ही में भी सजना है मुझे पे भी काफ़ी रील्स किए, मैंने काफ़ी बड़े इन्फ्लुएंसेस के साथ कोलैब किया. सो चेक दोज आउट वेरी सून बिकॉज इट्स गोइंग टू बी देयर ऑन माई हैंड. मैं आपसे जानना चाहूँगा कि काफ़ी सारे सिंगर्स खुद फीचर होते गाने में जी, आप कभी लाइक डू यू हैव दोस के फीचर होना चाहते हो या फिर बैक ऑफ द कैमरा इज गुड फॉर यू? नो, फॉर आई थिंक आई लव टू लेंड माय वॉइस, दैट इज माय फोर्टे कि मुझे मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचानी है. बट देन मैं कहूँगी मेरे में लुक्स भी अच्छी खासी है, तो आई वुड नॉट रियली माइंड यू नो फीचरिंग इन वन ऑफ माय सॉन्ग्स और समवेयर वेर आई कुड. इनफैक्ट मेरा जो लास्ट गाना हिट्स म्यूजिक चैनल से आया था उसमें आई वॉज फीचरिंग इन द सॉन्ग. एंड अगर आप देखेंगे हिट्स म्यूजिक चैनल देर आर लॉट मैनी अदर
दिग्गज आर्टिस्ट्स हैं जो उन्होंने कोलैब किया है हिट्स म्यूज़िक के साथ. सो उसमें आप मेरे दो गाने देखेंगे जो जो कि मैंने ही कंपोज किया. आई एम ऑल्सो कंपोजर, सो मैंने कंपोज किया एंड आई हैव ऑल्सो फीचर्ड इन द सॉन्ग. सो आने वाले और कई प्रोजेक्ट्स में आई एम गोइंग टू बी फीचरिंग इन द सॉन्ग्स एज वेल. एंड नॉट टू मैं आई हैव नीड टू मैंशन दिस दैट सारे गामा से भी मेरा एक 11th अक्टूबर को रिलीज है जो कि गाने का नाम है हाय हाय ये मजबूरी. इट्स अनदर रिक्रिएशन सॉन्ग एंड आई डोंट वांट टू सरप्राइज लाइक ब्रेक द सरप्राइज फॉर यू ऑल बट लेट मी टेल यू दैट इट्स फीचरिंग उर्फी जावेद. सो इट्स गोइंग टू बी अनदर बॉम्ब हिट दैट्स गोइंग टू बी बट आई वुड सजेस्ट यू यू लुक वेरी ब्यूटीफुल यू शुड फीचर इन ऑल द सॉन्ग. जाते जाते इस बातचीत की एंड करते समय गाना तो जो आपके दिल में दो गुड सजना सब आपके गाने हैं. बिल्कुल बिल्कुल अभी जो रिलीज हुआ अभी